के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, उस पर क्या कहना है आपको, कहाँ भेजना चाहते हैं आप? हम तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान जाए, इसका हिंदुस्तान में तो रहने की जरूरत ही नहीं, और यहाँ रहे तो इसको इतना रगड़ा जाए, नाली में जो कीड़ा रहता है ना उसमें इसको रगड़ा मारा जाए। अपमान करने का काम, हाँ जी, अपमानित करने का काम किया है इसने, बहुत बड़ा अपमान किया है, और इसका भी ऐसा ही दंड दिया जाए इसको कि इसकी नानी याद आ जानी चाहिए इसको। परिचय बता दीजिए महाराज जी अपना। मेरा छोटा सा नाम है भगवत दास, पंच तिरेवाई त्यागी, खाक चौक, अयोध्या, नया घाट। खाक चौक में सब है, तपस्वी छावनी, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, कोई छावनी नहीं बची। ये खाक चौक है त्यागी, खाक चौक के संत जो है, खाक चौक के संत बोलते हैं, संत जो है, हाँ, खाक चौक पंच तेरे भाई त्यागी, अच्छा, अयोध्या जी नया घाट। एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ ये बता दीजिए कि पंच तेरे भाई महाराज जी। हाँ बिल्कुल, ये बात कि उनको माफी मांगना चाहिए और करना चाहिए, जो भी आप कह रहे थे वो सब कहिए। इस प्रकरण में ये कहना है कि जब एक मुस्लिम कुल में जन्मे हुए अब्दुल रहीम खान खाना ने तुलसीदास जी के रामायण के प्रति कहा कि यह केवल हिंदुओं का सदग्रंथ नहीं है और न मुस्लिमों का है, अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा कि रामचरितमानस विमला जनजीवन का प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रगट कुरान, यवन के लिए कुरान है, हिंदू के लिए वेद है और जनजीवन का प्राण है। तो मैं उन्हें धिक्कार देता हूँ, मैं उनको बहुत फटकार लगा रहा हूँ, उनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। शिक्षा मंत्री क्या है मेरे शब्दों में, तो वो शिक्षा मंत्री अंधेरपुर नगरी चौपट राजा वाली बात है, वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो अशिक्षा मंत्री है। उसको नीतीश गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री को, उसको पद से बर्खास्तगी करना चाहिए। परिचय महाराज, मेरा नाम स्वामी संजय दास है, मैं बिहार के निवासी हूँ और मैं पूज्यपाद स्वामी कर्पात्री जी का